करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले की जो कि मुस्लिम विवाह से जुड़ा है। इस्लाम धर्म में इस बात की इजाजत है कि मुस्लिम पुरुष बहुविवाह कर सकता है। इसी मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति पर्सनल लॉ के तहत एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जस्टिस बीपी कोलाबावला और इसके साथ सोमेश्वरम सुंदरसन की पीठ का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक से अधिक विवाह की परमिशन देता है और कोर्ट के इस फैसले की चर्चा हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में है। तीन तलाक, CAA, NRC जैसे मुद्दों पर अक्सर हमने कोर्ट में सुनवाई और उस पर बहस होते देखा भी सुना भी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की सियासी गलियारों में हलचल है। बॉम्बे हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी शरीयत को और हमारे जज्बात को समझकर जो फैसला दिया तीन शादियों का, ये हमारे लिए काबिले, मतलब कोर्ट के लिए हमारे लिए काबिले तारीफ है। आज का जो दौर है, जो लोग लिविंग में रहना चाहते हैं और जो औरतें गलत रास्ते पर निकल जाती किसी भी सिक्योरिटी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि वो किसी मर्द के साये में या उनके साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपने आप को सिक्योर महसूस करे। आइए जरा इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख देती हूँ। किस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया और इस पर किस पक्ष की तरफ से तर्क क्या रखा गया। सबसे पहले आइए बात केस की कर लेते हैं। मुंबई के मुस्लिम व्यक्ति ने अल्जीरिया की एक महिला से निकाह किया। मुस्लिम शख्स की यह तीसरी शादी थी। शादी के बाद मुस्लिम व्यक्ति इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निगम ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट का अनुरोध किया। मुस्लिम शख्स ने फरवरी 2023 में आवेदन को दायर किया था और उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि उनका आवेदन इसीलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि यह पुरुष याचिकाकर्ता की तीसरी शादी है। मुस्लिम दंपति ने अपनी याचिका में संबंधित अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था। बेगम और शौहर के कोर्ट पहुंचने से पहले ठाणे नगर निगम का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या दलील दी गई, ये भी जानना जरूरी है। नगर निगम के अधिकारियों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया और उनका तर्क ये था कि महाराष्ट्र के एक शादी अधिनियम के आधार पर इसे रजिस्टर करने की अनुमति नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने प्राधिकरण के तर्क को गलत करार दिया है। इस केस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, वो कई मायनों में अहम और बड़ा फैसला भी है। कोर्ट ने यह कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुसलमान व्यक्ति चार पत्नियों को एक साथ रख सकता है। जस्टिस बीपी कोलाबावला और सोमेश्वरम सुंदरसन की पीठ ने कहा है कि विवाह पंजीकरण अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं मिला जो किसी मुस्लिम व्यक्ति को तीसरी शादी पंजीकृत करने से, रजिस्टर करने से रोकता। अदालत ने कहा कि एक बार दस्तावेज जमा हो जाने के बाद नगर निगम के पास विवाह प्रमाण पत्र जारी करने या व्यक्तिगत सुनवाई के बाद मना करने के लिए 10 दिन का समय होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते में ठाणे नगर निगम में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि दूसरी शादी का पंजीकरण करने वाले तीसरी शादी के रजिस्ट्रेशन पर एक विवाह वाले आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वो अफसरों की दलील मान लें तो इसका मतलब होगा कि महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ मैरिज ब्यूरोज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह ले ली है।